यार आज हम बैठे अपनी नई गाड़ी में, हमारी किया सोनेट में। तो यार आप सबको पता है कि यार डिलीवरी की वीडियो मैंने अभी तक डाली नहीं है, और एकदम से आपको बता दिया कि यार हम अपनी नई गाड़ी में बैठे हैं। यार एक्चुअली क्या है, चीज़ें ऐसी पड़ गई भाई, मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाया डिलीवरी वाली। तो मैंने सोचा था एक भाई ओवरव्यू डाल दूंगा गाड़ी का, पर यार वो ओवरव्यू शूट करता उससे पहले भाई मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई। उससे पहले मेरी गाड़ी भाई सही कर यार प्रॉब्लम आ गई उससे पहले ही, मतलब मैं कुछ शूट कर पाता गाड़ी के लिए। थोड़ा सा भाई एक दो दिन से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, तो जैसे तैसे भाई मैंने टाइम निकाला थोड़ा बहुत, तो अब भाई गाड़ी में दिक्कत आ गई। अब एग्जैक्टली मेरी गाड़ी में दिक्कत क्या आई है वो मैं आपको बताता हूँ। यार क्या हुआ था, कल पापा गाड़ी लेके मेरे कहीं बाहर गए हुए थे, तो यार उनका दिन में मेरे पास एक फ़ोटो आया, उसमें अपनी भाई चेक इंजन लाइट चल रही थी। अभी आप देख सकते हैं इसमें दो लाइटें चल रही है, एक DPF की और एक चेक इंजन लाइट। तो यार उस टाइम सिर्फ चेक इंजन लाइट चल रही थी, तो उनका मेरे पास कॉल आया कि यार ऐसे ऐसे ये लाइट जल रही है, क्या तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने कि अच्छा चलो आप चले तो गई हो, मैंने कि आ जाना आज के लौट के अपन गाड़ी एक बार चेक करा देंगे। फिर यार उनको शाम को जब वो लौट रहे थे तब उनका फिर कॉल आया मेरे पे, मेरे से कहते हैं कि यार एक लाइट और आ रही है। फिर उन्होंने मेरे को इसकी भी फ़ोटो भेजी, तो मैं समझ गया, मैंने कह रहे यार ये DPF वाली लाइट है। फिर क्या था, इसका जो मैनुअल है, जो सर्विस मैनुअल कहते हैं अपन उसको, यहाँ बुक कहते हैं, जो अपन को पूरी बुक मिलती है, जो कि इसके अंदर ये हैगा किया का, जो कि इसके अंदर मिलती है ना, तो वो बुक क्या ये मेरे घर पे ही रखा था। तो मैंने उसको फटाफट से खोला और खोल के मैंने देखा कि क्या 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 है। फिर मेरे को पता पड़ा यार ये DPF की लाइट है। तो यार उसमें ये लिखा था कि आप सेकंड गियर पे गाड़ी चलाइए, सेकंड गियर पे हाँ 1500 से 2500 RPM के बीच में, और 25 मिनट के लिए आपको गाड़ी चलानी है। तो यार जिस जगह पापा थे, मतलब गए थे अभी, वहाँ से भाई जब उनका कॉल आया तब वो लगभग 80 किलोमीटर दूर हो गए। तो मैंने उनको ये बता दिया था कि पापा गाड़ी आप हाई RPM पे चलाना। तो यार वो इतनी गाड़ी चला के भी लाए, फिर भी भाई DF की लाइट नहीं गई यार। फिर यार उसमें मैंने और पढ़ा, तब मेरे को ये पता पड़ा उसमें ये लिखा था, देखिए आप ट्राई करिए, अगर लाइट नहीं जाती है तो आप एक बार सर्विस सेंटर में संपर्क कर लें। तो यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार नई नवेली गाड़ी है और भाई गाड़ी में यार दिक्कत निकल आई। अभी उसमें ये भी लिखा था कि आपका फ्यूल जो एवरेज है, एवरेज भी कम हो जाएगा। आप देख सकते हो ये जो स्क्रीन है मेरी, स्क्रीन पे इस वक्त एवरेज शो कर रहा है 14 का, तो 14 का एवरेज यार गाड़ी जब मैं नहीं निकाल कर लाया था उसके नेक्स्ट डे में गया तो भाई गाड़ी 17-18 दिखा रही थी आराम से सिटी में, और अभी भाई मात्र 14 ही दिखा रही है। वैसे ये बात अलग है, थोड़ा सा भी ट्रैफिक हैगा उस दिन के मुताबिक ज़्यादा, पर यार फिर भी इतना फ़र्क तो नहीं आना चाहिए ना। और एक कमी और है गाड़ी में, वो मैं आपको थोड़ा हाईवे पे चल के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को सर्विस सेंटर पे तो जाना ही है। और सो यार अब मैं थोड़ा हाईवे पे आ गया हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कि गाड़ी में एक दिक्कत और क्या आ रही है। अभी मैं गाड़ी को शिफ्ट कर लेता हूँ सेकंड गियर पे, ठीक है, जो मैंने सेकंड गियर गाड़ी का डाल लिया। अब मैं एक्सीलरेटर दे रहा हूँ, अब देखना गाड़ी कितनी जाएगी, हाईएस्ट 47 आ रही, बस 47-48, ये भी थोड़ा सा स्लोप था इसलिए 49 चली गई। अब ये देखो 47 पंजा में, देखो पूरा दबाया, पूरा दबाया पैर मेरा, और गाड़ी भाई कितना जा रही है, मात्र 47। चलो मैं इसको थर्ड गियर में शिफ्ट कर ले रहा हूँ, मतलब गाड़ी मेरी सिर्फ 2500 RPM तक जा रही है। अब देखो मैंने शिफ्ट कर लिया, ये भी थर्ड गियर में भी ये सिर्फ 70-71 तक जाती है। अब देखिए पंजा पूरा दाब रखा है मैंने, ये देखो ये पूरा दाब रखा है पूरा A to Z। भाई गाड़ी कितने पे चल रही है, बस 72 पे। तो यार गाड़ी 2500 RPM के बाद भाई चल ही नहीं रही है। अब भाई फोर्थ गियर में तो थोड़ा ज़्यादा चली जाएगी गाड़ी, इसलिए मैं देखते हैं जाती है कि नहीं जाती है। वैसे 90-93 के लगभग ये 93-94 पे स्टॉप हो जाती है फोर्थ गियर में। यार एक ये चीज़ भी चेक करानी है कि यार इसका कारण क्या है भाई, गाड़ी पिकअप क्यों नहीं पकड़ रही है, क्योंकि यार नई नवेली गाड़ी है भाई यार। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं शोरूम और पास में ही, और दिखाते हैं किया वालों क्या कर रहे हो ये। चलो चलते हैं, बगल में ही है, मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे पहुँचने में। एक बच्चों का है, एक 13 हो रहे हैं, देखते हैं कितने बजे फ्री होते हैं, क्या होता है।
शोरूम आ चुका है भाई। अब अरे एक तो इधर भीड़ बहुत रहती है, बहुत भीड़ रहती है, हर बार का है भाई इधर का। तो चलो गाड़ी सेट करवाता हूँ, अंदर घुसता हूँ, फिर बात करते हैं अपन। तो यार यहाँ पे गाड़ी हमारी खड़ी हुई है, और जो भाई उसने बंदा है उसने कि भाई सर्विस भी करा लो, 600 तो गाड़ी चली गई है, फालतू डीजल फूक के आओगे वापस, अभी सर्विस करा दो इसकी। तो मैंने कि चलो सर्विस भी कर दो, तेल लगाने दो, सर्विस में कुछ होगा नहीं भाई, धुलाई होगी, चेक हो गई बस, चलो देखते हैं। यार यहाँ से निकल रहे हैं अपन, और ये भाई अपन निकल गए शोरूम से बाहर। तो यार अभी मैंने क्या था भाई, आया हुआ था तो भाई मैंने मैट्स भी थे, जो मैट्स मेरे 70 रह गए थे वो भी भाई मैंने डलवा लिए। अब भाई बारी है टेस्टिंग की, जो 2500 RPM वाला लोचा था, गाड़ी अभी भी कर रही है कि नहीं कर रही है, एक मिनट। हाँ भाई अब तो जा रही है, देखो बढ़िया जा रही है भाई, 3500 RPM तक गई, देखो भाई इसमें 71 तक जा रही थी। एक मिनट, थोड़ा सा एक आवाज़ आ रही है, ज़रा मैं एक मिनट चेक कराता हूँ।